पी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। महिला सिपाही के द्वारा ऑडियो वायरल कर फंसाया गया है। ड्यूटी में लापरवाही करने के कारण विभागीय कार्रवाई के लिए शिकायत करने के कारण हुई यह घटना। ऑडियो मेरा नहीं, इसकी जांच के बिना ही मुझे जेल भेजा जा रहा है। बक्सर के डुमराव स्थित बीएमपी 4 के परिवहन पदाधिकारी के पद पर तैनात दरोगा सत्येंद्र प्रसाद ने जेल जाने से पूर्व मीडिया से मामले का खुलासा किया। बक्सर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 1 के कोर्ट में गिरफ्तार दरोगा को डुमराव थाना की पुलिस ने पेश किया, जहां से गिरफ्तार दरोगा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताते चले कि बक्सर के डुमराव बीएमपी 4 के कैंप में तैनात महिला सिपाही ने एक दरोगा पर मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो जारी कर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत बिहार पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला क्या हुआ है? हमको तो निर्दोष पूर्ण फंसाया गया है। उसको एक दिन सामान, हम तो परिवहन पदाधिकारी के पद पर थे और सामान सिपाही का ड्यूटी प्रदोषणी से बांटते हैं, मेरे द्वारा तो बांटी नहीं जाती है। तो इनको जाना था चुनपुर मेला 8-11 को कमान कटा था, इन्होंने नहीं गई तो उस पर ड्यूटी से अनकार का नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट हुई, कमान साहब सस्पेंड कर दिए। तो दूसरे के इशारा पर एक समीन सिपाही है, इसको चढ़ाया बढ़ाया हुआ, इनके चलते उसको इसी 225 सीमा कुमारी के चलते हैं उसको बदले हुआ BMP 11 प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जो कि अभी तक योगदान नहीं दिया। लेकिन ऑडियो जो वायरल हुआ है, ऑडियो आपका है ना? जी नहीं, मेरा नहीं है, मेरा आवाज़ ही नहीं है। तो किसका आवाज़ है? मेरा आवाज़ है ही नहीं है। किसका आवाज़? आपका आवाज़ नहीं है, मतलब मेरा आवाज़ नहीं है सर। नहीं तो आपने आवाज़ में तो साफ है कि मैं परिवहन पदाधिकारी हूँ और तुम समझ, हाँ जो बात की गई है उस बात में तो लग रहा है कि आपका नहीं, मेरा नहीं, मुझे मैं निर्दोष हूँ, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया गया है, कारण क्या लगता है आपको? ड्यूटी में उसको काटा गया था तो कहते हैं कि आप परिवहन पदाधिकारी ड्यूटी बढ़वाए। अच्छा, एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि पहले से भी रुकिए मांग क्या कर रहे हैं, एक बात और निकल करके सामने आ रही है। अच्छा बैठ जाओ एक बात है और निकल करके सामने आ रही है, सामने आ रही है कि वो महिला उस तरह के पहले भी कई लोगों पर आरोप लगाई थी क्या? रवि BMP 5 में लगाई थी। किस पर? ये जमदार थे। कब की ये मामला है? ट्रेनिंग कर रहा था। चलो लगाई थी। क्या नाम हुआ आपका? अनिशा सत्येंद्र प्रसाद। चलो बढ़ा टेम्पो, ठीक है यही खाना सर। डुमराव आरक्षी केंद्र में वो पोस्टेड है और उन्होंने अपने ही सहायक से मानसिक प्रताड़ना और उसके साथ विचार की भावना को लेकर के उसको टॉर्चर करते थे और सस्पेंड करके उसका वेतन भी हेल्ड कर दिए थे। इसकी शिकायत उसने पुलिस कमिश्नर के यहाँ, इसके बाद जो है अपने यूनियन में किया, इसको लेकर के जो है तो प्राथमिकी दर्ज हुआ और उसी के तहत हो जाए आज गिरफ्तार। किनके पास उनको कोर्ट ने क्या दे दिया? वो ST ST Act में AD 1 में है जी। कितने दिन के लिए न्याय की हिरासत भेजा गया? अरे न्याय के लिए तो इसमें 7 साल का मिनिमम सजा है, 7 साल का जो है ST ST में किसी को गाली गलौज मानसिक प्रताड़ना करना जो है 7 साल का है और अगर उसके साथ अगर व्यभिचार वगैरह का जो सेक्शन लगा है इसमें जो है 10 साल। दर्ज शिकायत क्या है सर? शिकायत यह है कि वो उनके अंडर में वो काम करते थे और उसी अंडर में जो है ये उसको अपना पद और पावर का प्रयोग करके उसके साथ प्रताड़ना करते थे और ये चाहते थे कि मेरे साथ जो है ये गलत संबंध स्थापित करें, यही मूल उनके ऊपर आरोप है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शिव कुमार राम, मैं स्पेशल PP अनुसूचित जाति जनजाति बक्सर। बहुत बहुत